नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। खाटू श्याम जी मंदिर 25 दिनों के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। भक्त कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दौसा के महवा SDM को सांसद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने केंद्रीय गृह मंत्री और CM के नाम ज्ञापन सौंपकर मीणा को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। दौसा के लालसोट में स्थित मोरेल बांध क्षेत्र को प्रशासन और वन विभाग ने वेटलैंड क्षेत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगू पर मंगलवार को आयोजित हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के मेगा कैंप में 626 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। डूंगरपुर जिले के करावाड़ा सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह मनाया गया। डूंगरपुर जिले के झोथरी ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक आयोजित हुई। डूंगरपुर जिले के चित्री में ABVP गलिया कोर्ट की बैठक आयोजित हुई और इस दौरान ABVP की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक के माला खोलड़ा पंचायत के खार गांव में भारतीय रिजर्व बैंक और BOB ने ग्रामीणों को जागरूक किया। डूंगरपुर जिले के माडली गांव में परम गुरु करुणासागर महाराज का 250वां प्रागट्य महोत्सव मनाया गया। दौसा के सिकराय में लिखली गांव में मां काली की मूर्ति स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। दौसा के बांदीकुई में सरकारी स्कूल की प्रयोगशाला सहायक हिमांशु उपाध्याय ने अपने पिता की स्मृति में जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। 12 के सोरसन में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर कार्यक्रम आयोजित, इस दौरान पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया। 12 के पीलिया गांव में मां बेटे के साथ परिवार के कुछ लोगों ने की मारपीट, घायल अवस्था में दोनों को 12 जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 12 के छिपाबड़ौद क्षेत्र का जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने दौरा किया तो वहीं ग्राम पंचायत का जायजा लेकर जनसुनवाई की। 12 के खंडेला के जंगल में लकड़ी लेने गए मजदूर की हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। 12 के देवरी गांव का जिला परिषद CEO कृष्णा शुक्ला का दौरा, जहां उन्होंने नरेगा कार्यों का जायजा लिया तो वहीं मौके पर मेडिकल किट आदि नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में बजरी खनन करते हुए पुलिस ने एक ट्रक और डंपर को किया सीज। पादुकला थाना क्षेत्र के बगड़ गांव के पास युवक का शव मिलने के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे के खारडा रोड पर मिला युवक का शव, अजमेर निकासी प्रकाश के रूप में हुई युवक की पहचान। नागौर में राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले का आगाज हुआ, नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने किया ध्वजारोहण। नागौर जिले के पर्वतसर में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गिरिराज पारीक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपकरण अधिकारी शिवपाल जाट को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू जिले के सिंगनौर में नंदीशाला और गौशाला की नींव भरी गई। अलवर के जिला प्रमुख चौधरी बलबीर छिल्लर का ग्राम गौरीर में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा का समर्पण निधि अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की टीम बड़ा गांव पहुंची, जहां पर जिला परिषद सदस्य अजय कुमार भालूठिया ने दिया 1 लाख का चेक। झुंझुनू के सुरजनपुर गांव में सार्वजनिक सहयोग से नवनिर्मित मंदिर परिसर में संतों के सानिध्य में भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। झुंझुनू के बुड़ानिया में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्राहक की मौत होने पर उनकी पत्नी सुनीता को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। झुंझुनू के गोलियाणा के विश्वकर्मा मंदिर में जांगिड़ ब्राह्मण संस्थान गोलियाणा लोहारगल की बैठक संस्थान के अध्यक्ष बजरंग लाल जांगिड़ की अध्यक्षता में हुई। झुंझुनू के खिरोड़ क्षेत्र के किसानों को गणपति मार्केट में स्थित श्री हनुमान बीज भंडार से यूरिया वितरित की गई। राजकीय PG महाविद्यालय में छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में बंद लाइब्रेरी को चालू कराने की मांग की। लांगरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देसी शराब के 66 पवों के साथ आरोपी रामेश्वर उर्फ भूर सिंह को गिरफ्तार किया है।
अजमेर जिले के नसीराबाद में ग्रामवासियों को घर घर पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम सरपंच माया देवी के नेतृत्व में शुरू कर दिया गया। अजमेर जिले में दक्ष प्रजापति समाज ने कुल देवी मां श्री यादव की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। अजमेर के सरवाड़ में बालाजी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। अजमेर के सरवाड़ में गोयला की भील में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत भील बस्ती के लिए 30 लाख रुपए की लागत से पेयजल लाइन स्वीकृत की गई। विजयनगर सैदरिया रोड पर आश्वासन के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर ब्यावर यूथ संगठन के पदाधिकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। ब्यावर को जिला बनाओ अभियान के तहत कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ न्यायालय परिसर में जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। तिवरी के पुरोहितों के पास में बनी GLR जर्जर हालत में है और टंकी की छत कभी भी ढह सकती है। लूणी के झाला मंड में श्री श्री यादव माता का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। बिलाड़ा के सोजत मार्ग पर जय अंबे ट्रस्ट के तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ में राह चलते युवक को कार ने मारी टक्कर, हादसे में मांगीलाल की हुई दर्दनाक मौत। जोधपुर के फलौदी में युवाओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय और JNVU विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में राज्यपाल के नाम SGM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। हरियाणा गांव में जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ। जैन संत हरीश मुनि मुकेश मुनि सहित संतों ने धार्मिक स्थल पर प्रवचन दिए। जोधपुर के बेलाड़ा कस्बे में एक लड़की का अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के फलौदी में भाजपा कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का विरोध। राज्य सरकार की छात्र विरोधी नीतियां और छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की रिहाई की मांग को लेकर SGM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ओसिया कस्बे से आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे ही 2 अलग अलग मामले बुधवार को दर्ज हुए। जोधपुर के बाबड़ी गांव में मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जोधपुर के फलौदी विधायक बब्बा राम बिश्नोई का दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जोधपुर के ओसिया में एक बालिका ने 3 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कराया। जोधपुर के बाप में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के कुल 3 लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला कार्यालय में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने सुना। जोधपुर के ओसिया में रेलवे फाटक पर नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा दिया गया है। जोधपुर के लूणी में SGM गोपाल परिहार ने झंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जोधपुर के लूणी में नरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर 139 श्रमिक में से 52 श्रमिक अनुपस्थित मिलने पर BDO ने MET के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जोधपुर के लूणी में गौ सेवार्थ परिवार की तरफ से शंकर मठ गौशाला में गायों को 2100 किलो गाजर और हरी सब्जियां खिलाई। रीट परीक्षा 2021 के पेपर आउट मामले में हुई बड़ी धांधली की जांच CBI और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय भाजपा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 16 साल के बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। सीकर के निमका थाना के बल्लूपुरा गांव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। सीकर के अजीतगढ़ में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। सीकर के फतेहपुर में रजिस्ट्री बाबू उदय सिंह को 1000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भाजपा नेता दिनेश जोशी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रीट भर्ती परीक्षा की CBI जांच कराने और जयपुर में भाजपाइयों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। बीकानेर जिले के खाजूवाला में लीज के आड़ में बैठे जिप्सम माफिया को प्रशासन ने किया पाबंद। राष्ट्रीय पक्षी मोर को तिरंगे में लपेट कर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर जिले के नौखा में तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। सरकार द्वारा नरेगा योजना में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सरपंचों का विरोध प्रदर्शन। नागौर जिले के टिगाना में अजमेर डिस्कॉम MD VS भाटी ने डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक की। पोखरण शहर के आशापुरा माता मंदिर में बुधवार को 22वां पाठोत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया। रामदेवरा पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
जैसलमेर जिले के लाठी में भेड़ों की अज्ञात बीमारी से हो रही है मौत। सवाई माधोपुर के बौली में टूटी सड़कें बनी परेशानी का सबब। मलारना डूंगर में गौशाला के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। गौरव पथ पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण ग्रामीणों में रोष। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में बिजली चोरी करने वाले 10 लोगों ने भरा बीसीआर। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर में कुएं पर सेफ्टी जाल नहीं होने से हादसे का अंदेशा बना रहा। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में पिपलदा गांव के लोगों का 58 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी। झालावाड़ से कांग्रेस पार्षद चेतन नरवाल को पीसी सचिव गोविंद डोटासरा के निर्देश पर कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया। पिड़ावा रेंज के वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ इंदौर हाईवे पर कालीतलाई गांव में एक साइकिल सवार वृद्ध को बाइक ने मारी टक्कर। झालावाड़ से कांग्रेस नेता चेतन नरवाल ने जयपुर प्रवास कर पीसी चीफ गोविंद डोटासरा से मुलाकात की। झालावाड़ जिले में आबकारी विभाग टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 6,000 लीटर वॉश को नष्ट किया तो वहीं आधा दर्जन से अधिक शराब की भट्टियां नष्ट। बाड़मेर जिले में 2006 में आई बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को पट्टे बांटे गए। बाड़मेर जिले के चौहटन में एक रहवासी ढाणी में लगी आग, बीएसएफ के जवानों ने आग पर काबू पाया। बालोतरा पुलिस उपाधीक्षक धनफूल मीणा ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर अवैध रूप से डीजल पेट्रोल बेचने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रेनवाला क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ बढ़कर मात्र 4 दिन में 103 पर पहुंच गया है। नशीली दवाइयां बेचने के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री श्याम मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर पर दबिश दी। राज्य के विद्यालय में विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता राकेश कुमार ने पौधारोपण किया और इसके साथ ही आगामी वर्ष में 10,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। अगरू थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर भरकर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई की तो अधिकारियों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। जब्बा रामगढ़ के तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसीलदार राजेंद्र मीणा के स्कूल के खेल मैदान और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए। दूदू विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा पंचायत राज विभाग में हस्तक्षेप करने के मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में पिछले दिनों महिला कांग्रेस पार्षद के घर पर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ जिले में नीलगाय ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, खेतों में सुरक्षा के जतन में जुटे किसान। चंदवाजी से अपहरण हुई नाबालिग का 20 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा। इधर गोविंदगढ़ इलाके में पुलिस हाईवे के किनारे लगी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। गोविंदगढ़ में डीजे की दुकान पर हुई चोरी का 3 दिन बाद भी खुलासा नहीं हुआ है। सामौद में थानाधिकारी पूजा पुनिया ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया है। अमरपुरा में छात्राओं के लिए बनाई गई निःशुल्क लाइब्रेरी का नवनियुक्त एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने शुभारंभ किया। रामनगर टापरिया के राजकीय स्कूल में सरकार की मिड डे मील योजना के तहत पोषाहार के कॉम्बो किट वितरित किए गए। सागौद में भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शहर में जगह जगह बंद पड़ी रोड लाइट्स को सुचारू करने की मांग की। कोटा जिले के मोईकला में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के कब्जे से 61,000 से अधिक की राशि बरामद। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना पुलिस ने भीमसोर गांव में हुई बड़ी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है, एक बार फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों का। बांसवाड़ा जिले में पटवारी भर्ती को लेकर आक्रोशित युवाओं ने डीएम को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पिपलवा निवासी शातिर चोर अभिषेक को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा घाटी पर सीमेंट से भरा टोला पलटा, इस हादसे में चालक की मौत। बांसवाड़ा जिले के कोपड़ा गांव के तालाब में बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में दो कारों की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में चार लोग घायल। भीलवाड़ा जिले के रायला में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले के पुलियाकला में पहुंचे जिला कलेक्टर, एसडीएम ऑफिस तहसील कार्यालय सहित थाना परिसर का कर रहे हैं मुआयना। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में नालियों के अभाव में सड़क पर बह रहा है गंदा पानी। झरबालापुरा में हुसैन पीर के मुस्लिम बंधुओं ने चादर चढ़ाई और उर्स की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने जेल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डाबी खड़ीपुर के पास बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। गंगानगर जिले के गसिंहपुर में पीएनडी कॉलेज के छात्रों का चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। बूंदी जिले के नैनवा में तहसीलदार अमितेश मीना की कार्रवाई, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत कुएं पर दबंगों का कब्जा। बांसूर के गांव महनपुर में मिले बालक के कंकाल के मामले में डीएसपी मृत्युंजय शर्मा ने मनरेगा कार्मिकों से पूछताछ की। अलवर जिले के बानसूर में हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कठुमरा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के बाद किसानों को तीन गुना महंगे दामों पर भैंसों का चारा खरीदना पड़ रहा है। राजगढ़ पुलिस ने केसीसी प्लांट में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ में दो मंजिली मकान के निर्माण कार्य के दौरान पेड़ टूटने से श्रमिक की हुई मौत। तिजारा मंडी में किसानों के सब्जी के अधिक भाव मिलने से किसानों में खुशी। नारायणपुर क्षेत्र में गुरुवार को अचानक मौसम बदलने से बढ़ी ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलवर जिले के नारायणपुर में जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया ने बुधवार देर रात को तहसील कार्यालय और नारायणपुर थाने का निरीक्षण किया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बादल छाने के कारण किसान चिंतित। ग्रामीण इलाकों की सड़कें गड्ढों में हुई तब्दील, किसान आंदोलन समाप्त होने के बावजूद भी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। नीमराणा और शाहजहांपुर में मौसम में आए बदलाव के चलते सरसों की खेती में हो सकता है नुकसान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में जहरीला पानी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। थाना गाजी में असामाजिक तत्वों का बोलबाला, बाजार में आए दिन करते हैं झगड़ा। किशनगढ़ बांस कस्बे में सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, जिसके कारण आमजन राहगीरों को हो रही परेशानी। हनुमानगढ़ में साइकिलिंग क्लब हनुमानगढ़ ने वरिष्ठ सदस्य कृष्ण कुमार जांगिड़ के 50वें जन्मदिन पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन के बाबा रामदेव मंदिर में माघ मेला उत्सव के तहत बाबा रामदेव की महाआरती की गई। टिब्बी के चाहूवाली के गांव भुरानपुरा में सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल का ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। रीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में सीबीआई से जांच की मांग। करौली जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के सुरूठ पहुंचने पर जाट समाज में अन्य समाज के लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में रेलवे अंडरपास निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में जिला कलेक्टर ने किया एसडीएम ऑफिस, पुलिस थाना और तहसील कार्यालय का निरीक्षण। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लीटर देसी हथकड़ शराब के साथ आरोपी को फिलहाल को गिरफ्तार किया। रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भाजपा मंडल गोगुंदा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर से सलुम्बर कस्बे के झल्लारा ब्लॉक में एसडीएम ने सभी राशन डीलर्स की बैठक ली। उदयपुर जिले के गोडान कला में गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती की अध्यक्षता में जनजाति वर्ग के करीब 200 से अधिक लोगों की मदद की गई। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बुधवा का नगला गांव में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत। धौलपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। धौलपुर पुलिस ने अवैध गट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस ने बदमाश जगन द्वारा 60 बीघा भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया। धौलपुर जिले के सरमथरा में एक बेरोजगार युवक ने आयुर्वेद भर्ती में चयन नहीं होने पर आत्महत्या कर ली। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्रा शामिल रहे। शहर के नगर पालिका द्वारा अथुना बाजार में नाला निर्माण कार्य जोरों पर है।
पाली जिले के बाली में बच्चों को कृमि संक्रमण से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से अप राउंड कृमि नाशक दवा खिलाई गई। सिरोही जिले के मानपुर में श्याम बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड में एक दुकान में हुई चोरी, चोर दुकान से 20,000 का सामान ले उड़े। भरतपुर के वैर में एक युवक पर किचन की पट्टी टूटकर गिरी, घायल युवक को प्राथमिक उपचार में रेफर किया गया। भरतपुर की कुम्हेर पंचायत समिति पर मनरेगा में भर्ती जा रही अनियमितताओं को लेकर गांव बेलारा कला के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।